गुड मॉर्निंग क्लास क्लास फिफ्थ. नाउ इट्स टाइम टू मैथ्स स्टडी. सो ओपन योर मैथ्स बुक एंड कम टू द चैप्टर नंबर 12. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ज्योमेट्रिकल शेप्स. हेयर वी विल नो अबाउट द लाइन लाइन सेगमेंट एंड रे एंड एंगल्स. व्हाट इज अ लाइन? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ. इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ द साइड्स. हैज़ नो डेफिनेट लेंथ. स्टूडेंट्स लाइन आपकी कितनी भी हो सकती है बोथ साइड से. इसकी कोई कंपेयर नहीं कर सकते कि आपको कोई सर्टेनली इतनी ही लेंथ रखनी है. आप इस साइड से भी इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो और आप बी वाले पॉइंट से भी इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो. एंड हेयर इज़ अ लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही एक पार्ट होता है. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड हैज़ अ डेफिनेट लेंथ. लाइन सेगमेंट में आपके टू पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से आपने स्टार्ट किया और जहाँ आपने एंड किया है. यहाँ आपने एक लाइन करी है बट आपने इसको पॉइंट के थ्रू शो किया है. एंड हेयर इज अ रे. आर रे इज अ लाइन. रे आपकी एक लाइन होती है दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंड द एंड पॉइंट्स टू एक्सटेंडेड इन द वन डायरेक्शन. आपके जो ये रे होती है, इस रे में आपको एंड पॉइंट, बट हमें रे की लाइन में एंड पॉइंट पर हमें शो करना होता है कि ये हमारी रे की लास्ट पॉइंट है. एंड हेयर इज डिफरेंस बिटवीन लाइन लाइन सेगमेंट एंड अ रे. लाइन आ लाइन हैज़ नो डेफिनाइट लेंथ. आ लेंथ आ लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनाइट लेंथ. रे आ रे डज नॉट हैव अ डेफिनाइट लेंथ. हेयर वी कैन नॉट ड्रॉ आ लाइन ऑन द पेपर. हम पेपर पर लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते बट कैन रिप्रेजेंट बाय अ डायग्राम. बट डायग्राम के थ्रू एक इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉ ऑन अ पेपर. लाइन सेगमेंट पेपर पर ड्रॉ की जा सकता है. वी कैन नॉट ड्रॉ आ रे ऑन अ पेपर. हम रे को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते बट कैन रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम. बट डायग्राम के थ्रू आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड आ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. आप लाइन को कितना भी लेंथी कर सकते हैं. एंड द लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट के टू पॉइंट्स होते हैं. एक आपका इनिशियल पॉइंट होता है, एक आपका एंड पॉइंट होता है. आर ए हैज़ नो वन पॉइंट. रे का आपका लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पर रे को आपको एंड करना है. ए बी रिप्रेजेंट अ लाइन लाइक दिस. ए बी इसने आपको लाइन को रिप्रेजेंट किया है. एंड हेयर ए बी रिप्रेजेंट अ लाइन सेगमेंट. हेयर इट द एग्जाम्पल ऑफ द ए बी लाइन सेगमेंट. ये आपका लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है. एंड ए बी रिप्रेजेंट अ रे. ये आपका जो ए से बी, ये आपके रे का एग्जाम्पल. हेयर एक्सरसाइज 12 ए क्वेश्चन नंबर 1. मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग अ स्केल. सो स्टूडेंट्स नाउ यू विल टेक अ स्केल एंड अ पेंसिल. नाउ यू विल मेजर इट बाय द स्केल. Here you will measure it by like this. Students, after measuring it we find this line has 3.5 centimeter. So you will write here 3.5 centimeter. Here you will draw a line A B and it's 3.5 centimeter. Like this you will solve this question number A. Here take the line which is longer of the two in each part. Here AB and CD. So AB is longer. So you will tick here. And in question number C, draw lines of the following measurements. Here is 5 centimeter. So you will draw a line of 5 centimeter like this. Now you will put a scale and students here you will draw a line of 5 centimeter. So you will draw this line from here to here. It's your 5 centimeter. Here you will draw a line. Here you will write A and here B and here is 5 centimeter. So students like this you will solve question number A, B, C.